अयोध्या के प्रयागराज हाईवे पर आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई जब केंद्र सरकार की किसान विरोधी बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों ने पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भरतकुंड के पास बने टोल प्लाजा पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए हमला बोल दिया। इस दौरान गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कुछ वक्त के लिए आवागमन को भी बाधित कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल व बीकापुर के तहसीलदार पवन कुमार गुप्ता ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। इस बीच नारेबाजी करते हुए किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी झड़प भी कैमरे में कैद हो गई। अनियंत्रित किसानों को रोकने के चक्कर में पुलिस प्रशासन को किसानों से हाथापाई भी करनी पड़ी। फिलहाल काफी खुशामद के बाद किसान ज्ञापन देने को राजी हुए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार बीकापुर को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए तीनों बिलों की वापसी, डीजल में किसानों को रियायत के साथ साथ टोल प्लाजा पर किसानों से वसूली में छूट की मांग की है। किसान संगठनों द्वारा जो प्रदेशव्यापी देशव्यापी जो ये टोल प्लाजाओं को फ्री कराने और टोल प्लाजाओं पर अपना धरना प्रदर्शन करने का जो संकेत जो दिया गया था, आज इस पिपरी जलालपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन लखनऊ उत्तर प्रदेश, इनका कोई ये संगठन है, इनके द्वारा यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया है और इनके द्वारा ज्ञापन अपना मांग पत्र सौंपा गया है। इस मांग पत्र के द्वारा जो भारत सरकार द्वारा अध्यादेश किसान बिल लाया गया है उसको वापस लेने की मांग की गई है। कुछ और मांगे हैं, विद्युत निःशुल्क दिलाया जाए ये मांग है, डीजल में 50% सब्सिडी की मांग की जा रही है, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग है व अन्य उत्पादों के MSP निश्चित कराने की मांग है। इनका ज्ञापन ले लिया गया है और इनका धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त है। इनकी मांगों को संबंधित माननीय राष्ट्रपति जी महोदय को संबोधित है, माननीय जिला प्रशासन महोदय के माध्यम से इनकी मांगे इनकी भावनाओं को समुचित स्तर पर पहुंचाया जाए। मैं पवन कुमार गुप्ता, तहसीलदार बीकापुर। खेती बाड़ी छोड़कर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि जंतर मंतर जो है दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर हमारे किसान आज 15 दिन से बैठे हुए हैं। ये गूंगी बहरी सरकारें जो है किसानों की बात नहीं सुनना चाहती हैं। किसान विरोधी जो तीनों के बिल लेकर आए हैं, कानून बनाए हैं, इसको ये वापस लें। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरह से किसान आंदोलन करेंगे। किसानों की मुख्य मांग यह है कि सरकार द्वारा जो ये कानून बनाया गया है किसान हित में नहीं है, ये कानून व्यापारियों के हित में है, अंबानी अडवाणी के हित में है और इन्हीं को किसानों की ज़मीन जो है ज़बरदस्ती रिलीज पर देना चाहती है सरकार। किसानों का धान इस समय 8 रुपये 10 रुपये बिक रहा है जबकि धान की कीमत 18 रुपये 88 पैसे 18 रुपये 68 पैसे है, लेकिन ये धान जो है जब सरकार हमारे किसान धरना दे रहे हैं, इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, तब इनका धान 8-10 रुपये में लिया जा रहा है। जिस दिन किसान जो है ये जो है आवाज़ बंद कर देगा तब किसान का क्या हल होगा। मोदी जी ने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी होने के बजाय किसान की आय जो है वो आधी हो गई है, कम होती जा रही है। गन्ने का रेट जो है 4 साल में 1 पैसे भी नहीं बढ़ाया गया, कम से कम गन्ने का मूल्य 500 रुपये किया जाए। और जो है सरकार हमारा सरकार ने जो आदेश पारित किया इसका विशेष विरोध नहीं है, इसका मेन विरोध ये है कि जो आप उसमें वो बनाइए कि इस जो आपने सरकारी रेट घोषित किया है उससे कम पर किसानों का सामान ना खरीदा जाए, अगर कोई भी व्यापारी लेता है तो उसको जेल भेजा जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। टोल टैक्स जो है आज धरना जो है हमारे भारत में जो है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आह्वान है कि जितने भी जनपद हैं उत्तर प्रदेश और भारत में सभी जनपदों में जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको आज फ्री चलाया जाएगा, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसानों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन हमारे अयोध्या जनपद के किसान
लोग जो है इसका सहयोग कम किए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो भी लोग आए हैं वो एक आदमी 1,000 के बराबर है और इसी को हमने फ्री करके चलवाया है। यहाँ सारे अधिकारी भी मौजूद थे, पुलिस प्रशासन से भी इसमें लोगों की भिड़ंत हुई है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कार्यक्रम सफल रहा। दिनेश कुमार दुबे, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन, टिकैत।